आज मुझे इस बात की भी खुशी है कि हमारे ब्रह्म कुमारी की संस्थान ने आजादी के अमृत महोत्सव को स्वर्णिम काल के भारत की ओर इसको एक कार्यक्रम के रूप में लिया है। और मुझे इस बात की भी खुशी है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शायद 20 जनवरी था 20 जनवरी को 2022 इसी साल उन्होंने इसका श्री गणेश किया और अभी तक आप सब लोगों ने मिलकर 15,000 से ज्यादा कार्यक्रम किए हैं और लगभग 10 करोड़ लोगों को इसमें आपने जोड़ा है। इस स्वर्णिम हमारे जो आजादी के अमृत महोत्सव है उसको स्वर्णिम भारत की ओर इस कार्यक्रम के तहत आपने लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। इस बात की भी अत्यधिक खुशी है कि जब आप समाज के चैलेंजेस की बात करते हैं तो आप ग्लोबल वार्मिंग की भी बात करते हैं और ग्लोबल वार्मिंग सिर्फ बाह्य जगत भौतिक जगत का ही नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की दृष्टि से जो हमारे बीच में भी फ्रिक्शन घर्षण तनाव इसको भी शांत करने का जो आपने रास्ता राजयोग के माध्यम से बताया है उसको हम पूरा करने का प्रयास करेंगे, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। अध्यात्म के बारे में ज्यादा नहीं बोलता क्योंकि उसको अनुभूत करने की जरूरत होती है। वो व्यक्तित्व में और वक्तृत्व में बहुत बोला जा सके इसकी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन इतना जरूर मैं कहूंगा कि जब मैं यहां आता हूं तो मैं इसको पावर हाउस मानता हूं। यहां से हम सकारात्मक ताकतों का पावर का सृजन करते हैं और सृजन करने के पश्चात समाज में अच्छे काम में लगाने का हम प्रयास करते हैं। ये राजयोग साधना ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह अपने आप को अंतःकरण को जानने का रास्ता है और जानने के साथ साथ हमारा सकारात्मक योगदान क्या हो सकता है इसको अपने मन में टटोलने का मौका मिलता है, जानने का मौका मिलता है और उसमें स्वतः प्रेरणा से किस तरीके से हम समाज में अच्छा योगदान कर सकते हैं, अच्छा नागरिक बन सकते हैं, अच्छा इंसान बन सकते हैं, अच्छा सामाजिक प्राणी बन सकते हैं, अच्छा सामंजस्य रख सकते हैं, अच्छे तरीके से समाज को आगे ले जाने के लिए सक्षम हो सकते हैं, इसका हमको प्रेरणा मिलती है, इसको हमको ताकत मिलती है।